नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड़हल, हिबिस्कस, चाइना रोज सभी नामों से बुलाया जाने वाला पौधा और भारत के लगभग अधिकांश घरों में पाया जाने वाला पौधा, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने सुंदर फूलों और विभिन्न प्रकार के रंगों के कारण सभी को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही गुलाब के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो पौधा कोई है तो वो यही है, हिबिस्कस या गुड़हल। ये एक परमानेंट या पेरिनियल प्लांट है, यानी कि ये साल भर फूल देता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी सही से देखभाल कर लें तो ये पूरे साल भर भर के फूल देता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी सनलाइट लोकेशन और टेम्परेचर की। इस प्लांट को बहुत अच्छी सी धूप चाहिए होती है, क्योंकि जैसा कि सभी जितने भी फूलों वाले प्लांट होते हैं उन सबको लगभग 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन जैसा कि दिल्ली जैसे जो इलाके होते हैं, जगह होती हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मई जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ऐसे में इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक, या फिर आप ऐसी जगह इसको रख सकते हैं जहाँ इसको आधे दिन की धूप आए। दोपहर की जो तेज़ गर्मी होती है इससे इस प्लांट को आपको बचाना होता है। और लगभग जैसा कि अभी हमारे यहाँ चल ही रहा है 30-35 डिग्री का जो टेम्परेचर है, वो ऐसे में आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे जो सभी प्लांट हैं वो धूप में रखे हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा रेड और वाइट का ये कंट्रास्ट है, और सभी बहुत अच्छे से, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये रेड कितना अच्छा गुच्छों वाला, डबल ट्रिपल लेयर वाला ये, और ये देखिए ये कंट्रास्ट हैं कितने खूबसूरत, इनकी जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं तो वो सभी हैं। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन सभी में एक साथ फ्लावर नहीं खिलते। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मिट्टी की या सॉइल की। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि ये पूरे साल लगातार फूल देता है, तो ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इसमें आप जो इसकी सॉइल तैयार करें उसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड, और एक लगभग 2 पार्ट के करीब आप इसमें खाद डाल सकते हैं, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट होता है, तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो इसकी एसिडिक नीड को पूरा करती है। इसको थोड़ा रूट बाउंड होना पसंद होता है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए मेरे जो गमला है वो पॉट प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने लगाया हुआ है। इसको इतना ही बड़ा प्लांट चाहिए, ये देखिए ये लगभग 6 इंची पॉट में लगा हुआ है, तो ये देखिए ये भी 6 इंची पॉट में है, ये 10 इंची पॉट में है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका पॉट सिलेक्शन करना होता है। तो आप भी ये ध्यान रखें। और इसको जहाँ तक पानी की बात होती है, पानी की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आप गर्मियों में दोनों टाइम पानी दें। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। गर्मियों में इसकी आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ इन सभी पौधों को आप एक साथ चिपका के रख दें, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा हवा बन के उड़ ना सके। गमले के नीचे आप ट्रे भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं इसका डोरमेंसी का टाइम शुरू हो जाता है, और सर्दियों में जब तक ऊपर की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप इसमें पानी ना दें। और क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो इस प्लांट में आप गर्मियों में दोनों टाइम पानी का अच्छा सा छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है वो फ्रेश दिखाई देगा। और जो मेरे प्लांट हैं वो अभी थोड़ा कुमला गए हैं, क्योंकि अभी एकदम 3 बजे हुए हैं और एकदम प्योर गर्मी का टाइम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी इतना भी ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड नहीं है कि पेड़ों को गर्मी ना लगे। और ये देखिए सारे कुमलाए हुए हैं, लेकिन
अगर इस प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो जो इसकी बर्ड्स हैं वो खिलती नहीं हैं, वो पीली होकर गिर जाती हैं, बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो आपको पानी का जो रेशो है वो मॉडरेट रखना है, ना ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। और अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जो फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि ये पूरे साल फ्लावर देने वाला प्लांट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए एक प्लांट के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्ड्स हैं, लगभग एक टहनी के ऊपर 5 से 6 बर्ड हैं। और देखिए ये देखिए, इसमें मतलब अगर 6 ब्रांच हैं, हमारी 6 ब्रांच हैं, और 6 ब्रांच के ऊपर 6 बर्ड्स हैं, तो आप सोचिए कि इस प्लांट को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एनर्जी के लिए आपको इसमें, इसको फिर एनर्जी के लिए बहुत अच्छी खाद भी चाहिए होती है। तो जनवरी फरवरी में आप इसको प्रून कर दें दोस्तों, और ताकि इसमें जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। देखिए ये इसमें कितनी सारी ब्रांचेज हैं, और लगभग हर ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसे ही आप इसकी भी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि नई ब्रांच में ही हमेशा फ्लावरिंग होती है। और आप फरवरी में जब हमारा इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, नए नए फूल पत्तियां निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम आप लगभग 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें 200 से 300 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दें, ताकि इनमें अच्छी सी फ्लावरिंग हो। इसके अलावा भी आपको इसमें हर महीने खाद डालना होता है, लगभग आप 2 चम्मच बोन मील, कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र, कभी ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, और इन्हीं के साथ साथ आप 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के इसमें डाल सकते हैं। हर महीने आपको इसमें कोई ना कोई खाद डालनी ही चाहिए, तभी आपकी जो पेड़ हैं वो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो जब भी आप खाद वगैरह डालें तो वो चेंज कर कर के डालते रहें, हर 10 दिन में 15 दिन में। और बीच बीच में आप NPK भी डाल सकते हैं, 19-19-19 या 20-20 जो भी आपके पास हो, 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच। अगर आपकी चम्मच बड़ी है तो आप आधा चम्मच भी घोल कर उसमें पानी में मिला के इसमें डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा और डबल पानी मिला के इन पेड़ों के ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, तो आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और देखिए, कभी कभी वैसे तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार जब फ्लावरिंग नहीं होती है तो कई बार हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना पड़ता है, तो उसी का ये सब इफ़ेक्ट होता है। इसको फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच पोटाश पाउडर घोलकर आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, और बनाना पील फर्टिलाइज़र, अंडों के छिलकों का फर्टिलाइज़र, और ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र वगैरह, मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने बताए थे। तो आप इन सभी को इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह के जो छिलके होते हैं, बनाना पील के छिलके होते हैं, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश होता है, जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसमें आप कंपोस्ट टी या लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी हर महीने या 15 दिन में आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की 2-4 मुट्ठी जो होती है वो एक बाल्टी पानी में आप घोल के उस पानी को 2 या 3 दिन रख के, और उस पानी को छान कर, या डायरेक्ट भी आप उस पानी को 1-2 उसमें इन पेड़ों में डाल सकते हैं। तो ये हमारी एक कंपोस्ट टी होती है, जो हमारे पेड़ों को अच्छा नाइट्रोजन और पोटाश वगैरह देता है। इसके अलावा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत एसिडिक होती है, उसमें आप जो यूज्ड चाय की पत्ती हमारे घरों में होती है उसको अच्छे से आप धो के सुखा लें, और उसको एक दो चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं। और ये देखिए, जैसा कि क्योंकि इसकी जो एसिडिक सॉइल होती है, इसका पीएच लेवल जब तक अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तब तक ये अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं करता है। तो ये आप इस टाइप से ये फिटकरी का टुकड़ा ले सकते हैं, और जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ डेमो में, ये देखिए ये मैंने यहाँ गाड़ दिया है, ये ऐसे करके ये गड़ा दिया है यहीं मिट्टी में साइड में, और ये धीरे धीरे इसके जब आप पानी देंगे तो ये फिटकरी का जो एसिडिक वो होता है, पन होता है, वो धीरे धीरे इसकी ये फिटकरी पानी इसकी मिट्टी में घुल जाती है जैसे जैसे आप पानी देंगे, और इसका जो पीएच लेवल होता है वो सही मेंटेन रहता है, और उससे इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और अच्छी फ्लावरिंग देती है।
जब हम इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो इसको बहुत आसानी से कटिंग से हम लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है, ये देखिए, और इसमें देखिए कितनी सारी ये कलियाँ आई हुई हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा धूप में कुमला गए हैं, क्योंकि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये दोपहर का टाइम है, और ये देखिए ये कितनी सारी ये कलियाँ आई हुई हैं। तो इसकी कटिंग आप जो ये इतनी बड़ी टहनी होती है इसकी सेमी, जो मतलब ज़्यादा हार्डवुड कटिंग नहीं चाहिए होती, उसको आप इतनी यहाँ से इतना काट लें, और इतनी मोटी हो या इतनी मोटी हो लगभग पेंसिल के साइज़ की, उतनी कटिंग आप आसानी से इसकी कटिंग करके लगा सकते हैं, और वो आसानी से हो भी जाती हैं। और बरसात और जो फरवरी का सीज़न होता है, हमेशा आप इसमें कटिंग लगाएं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बीमारियों की बात करें तो जैसा कि ये बहुत हैवी सुंदर हैवी फीडर प्लांट है, और इसको अच्छी धूप चाहिए होती है, अच्छा पानी चाहिए होता है, अच्छा फर्टिलाइज़र, सभी चीज़ें इसको बहुत, सनलाइट भी बहुत अच्छे से चाहिए होती हैं, लेकिन इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। इसीलिए इसकी केयरिंग अच्छी चाहता है, लेकिन बहुत मतलब अगर आप एक रेगुलर रूटीन बना लें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें क्योंकि इसमें मिलीबग वगैरह बहुत लग जाते हैं, एक वो चिपका चिपका सा एक कीड़ा होता है, मेरे पेड़ों में नहीं लगा है कहीं भी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो शायद देखिए ये यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये एक दो लगे हुए हैं, ये देखिए ये इस टाइप से। तो इसके लिए आपको, क्योंकि वो इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं कलियों के ऊपर, और इनका पूरा रस चूस जाते हैं, रस चूसक कीड़े ही उनको बोला जाता है। तो हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कर दें। आजकल मार्केट में जो नीम ऑयल आता है वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ आता है, उसमें उसमें बस 1 लीटर पानी में 2 ml इसको मिलाकर आप स्प्रे कर दें हर 15 दिन में, अच्छे से इसकी ऊपर से पत्तियों के नीचे से अच्छे से इसको नहला दें, अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रे कर दें। कई बार जो इसकी बर्ड्स होती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं, ऐसे में आप इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड एक आता है, इंसेक्टिसाइड एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है ये, और उसको भी आप 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप किसी केमिकल स्प्रे का प्रयोग करें तो उसमें 1 सप्ताह का गैप जरूर रखें, क्योंकि ऑर्गेनिक जितने भी स्प्रे होते हैं उनको हम दूसरे तीसरे दिन लगा सकते हैं, लेकिन केमिकल स्प्रे में ऐसा नहीं करते। तो 1 सप्ताह का गैप आप रखें ताकि आपके प्लांट को नुकसान ना हो। और जो मिली बग्स होते हैं ये इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, पूरा पेड़ हमारा ख़राब कर देते हैं, तो ऐसे में आप 1 लीटर पानी में लिक्विड विम आता है, एक बर्तन साफ़ करने वाला जो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड विम वगैरह जो भी होते हैं, तो उसको आप 1 लीटर पानी में घोलकर लगभग 2 ml के करीब, और 2-3 ml के करीब घोलकर उसको अच्छे से इसके ऊपर इन स्प्रे कर दें, तो उससे भी ये जो मिली बग्स होते हैं वो मर जाते हैं। इस स्प्रे को लगभग आपको हर तीसरे दिन, अगर आपके पेड़ में बहुत ज़्यादा मिली बग्स लगे हुए हैं तो आप पहले साफ पानी से उसको साफ़ कर लें, अच्छे से हटा दें। और जो हमारे मकड़ियाँ वगैरह भी इसमें कई बार लग जाती हैं तो वो सभी उससे साफ़ हो जाती हैं। और हर अगर आपके पेड़ में ज़्यादा मिली बग्स लगे हुए हैं तो आप जो हैं वो उसको बहुत जल्दी हर तीसरे दिन स्प्रे करके उसको अच्छे से साफ़ कर दें, और 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि बिल्कुल पूरा आपका जो पेड़ है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये देखिए ये पूरा कितनी कलियाँ इस पेड़ में आई हुई हैं हमारे में, ये देखिए ये देसी जो रेड आता है वो देखिए, इसका जो कलर है ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये देखिए कितनी कलियाँ इसमें पेड़ में आई हुई हैं हमारे, ये देखिए इसमें कलियाँ इसकी, इसमें देखें यहाँ हर पेड़ में भर के कलियाँ आई हुई हैं, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले शायद एक अपना वीडियो डाला था जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सब मैंने बताए थे। तो आप हर महीने इसमें 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, और इसमें जो है आप अगर आपको लगे, क्योंकि कई बार इसकी पत्तियों में फंगिसाइड फंगस लग जाती है यहाँ पर, तो आप 1 लीटर पानी में 1-2 चुटकी फंगिसाइड पाउडर डाल के उसको घोल कर उसके इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने भी किया है, ये देखिए नीला नीला ये
साफंग की साइड का ये दिखाई दे रहा होगा अगर आपको। और ये जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मैं आई बटन में उसका लिंक आपको दे दूंगी। और ये देखिए ये ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र और ये अंडे के छिलके मैंने पीस के और केले के जो छिलके होते हैं उनको पीस कर ये एक साथ एक पाउडर रूप में एक ये फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। और लगभग इसकी एक या दो चम्मच मैं हर महीने अपने पेड़ों में डाल देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर पूरे पेड़ में अच्छे से कितने फ्लावरिंग आ रही है, आप देख पाएंगे कि कलियाँ आ रही हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों मेरा लगभग मैंने सभी प्रकार की जो गुड़हल की केयर है वो डिटेल है सभी मुझे लगता है मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।